गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ही अभी टॉप लेवल में चल रहे हैं। तो आज जो है हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का पूरा रिव्यू देने वाले हैं इस वीडियो में, कैसे वहाँ पे एडमिशन होता है, क्या क्या कोर्स होता है, क्या प्लेसमेंट है वहाँ का, और जो है कैसा कैंपस है वहाँ का, सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। तो बने रहे हमारे साथ, और जो है अभी सबसे पहले आप लोगों को इसका कैंपस टूर करवाते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या क्या कोर्स करवाया जाता है। तो कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे साइड स्क्रीन पे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और जो है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, और जो है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग होता है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, इंडस्ट्रियल होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, केमिकल इंजीनियरिंग होता है, और जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, और डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जियोलॉजी, और जो है ट्राइबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, और जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशल वर्क कंप्यूटर साइंस, और ऐसे स्पेशलाइजेशन का बहुत सारा कोर्स करवाया जाता है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, और जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ऐसे कोर्स करवाए जाते हैं यहाँ पे, और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये सब कोर्स करवाया जाता है। और हर कोर्स जो है या तो CUET के बेस्ड पे एडमिशन लिया जाता है यहाँ पे, या तो जोसा काउंसलिंग जो कि इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे होता है, टेक्नोलॉजी जो यहाँ का है, टेक्नोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग जो यहाँ का फैकल्टी है उसके लिए होता है, और जो है साथ में मैनेजमेंट के लिए भी एडमिशन होता है CUET के थ्रू। पैकेज की बात करें प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज लगा हुआ है अभी तक ऑन कैंपस लगा हुआ 18 LPA 18 लाख का, जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के द्वारा कोई स्टूडेंट लिए थे यहाँ पे। और एवरेज पैकेज की बात करें तो 6 लाख 7 लाख जाता है यहाँ पे, और जो है हाईएस्ट पैकेज की बात करें ऑफ कैंपस भी तो वो लगभग 24 लाख जाता है। और जो है यहाँ की बात करें और सब कोर्सेज में कैसा प्लेसमेंट है, तो वो प्लेसमेंट भी बहुत बेहतरीन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है हम लोग यहाँ पे कट ऑफ की बात करते हैं, यहाँ का कट ऑफ क्या है। तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है, तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ है, अगर आपका EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3.5 लाख तक गया हुआ है, और OBC NCL से हैं तो 3,20,000 तक गया हुआ है, 3,20,000 तक। और जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख तक रैंक इसका गया हुआ है, और जो है उस सिविल इंजीनियरिंग में OBC NCL की बात करें तो 2 लाख तक गया हुआ है, और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 50,000 से 80,000 के बीच गया हुआ है। जो है उसी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी OBC NCL के लिए गया हुआ 1,30,000, और जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए गया हुआ 1,70,000, और 3.5 लाख तक भी कभी कभी चले जाता है यहाँ पे। और जो है यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर ST हैं तो वो लगभग 3.5 लाख 4 लाख तक चले जाता है। तो गाइज कट ऑफ भी आप लोगों को बता दिए यहाँ पे, और जो है और सभी कोर्सेज में CUET और जो यहाँ पे इसका ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और जो है वहाँ पे आपको मिलेगा सारा फॉर्म भरने को हर डिपार्टमेंट का, जो कि अलग अलग होता है, और खुद जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी अपना काउंसलिंग करवाता है। तो गाइज अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।